भी का स्वागत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बीजेपी की कवायद की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस में भी उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर मंथन जारी है और कांग्रेस की पहली लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में 10 जनपद पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है और बैठक में सचिन पायलट, अशोक गहलोत और अविनाश पांडे सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। और आपको बता दें कि 90 से ज्यादा सीटों पर नाम तय हुए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उन पर आज मुहर लगाएगी। आज सीईसी की मुहर के बाद अगले 3 से 4 दिन में लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम हैं और अधिकतर मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटने पर सहमति बनी है। वहीं 2 बार चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं देने पर राहुल गांधी फैसला करेंगे और किसी भी विधायक की सीट में बदलाव मुश्किल होगा। यानी कि एक स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी अब तक हमें समझ में आई है, जो ये बयानबाजी होती रही है, जो रिएक्शंस दिए गए हर बैठक के बाद कि जो सिटिंग एमएलए हैं ज्यादातर के टिकट्स नहीं कटेंगे, तो यहाँ पर कांग्रेस भी इसी स्ट्रैटेजी को अपना रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि जो लास्ट टाइम एक क्राइटेरिया रखा गया था कि इतने वोटों से जो हारा है उसको दोबारा से टिकट नहीं दिया जाएगा या इतनी बार जो हारा उसको दोबारा चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा, उसको लेकर आज राहुल गांधी क्लियर करेंगे। लेकिन हाँ, जितनी कंडीशंस पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से रखी गई थी उन तमाम कंडीशंस को इस बार लागू नहीं किया जा रहा है। बस जीत की उम्मीद की जा रही कि अगर किसी भी कंडीशन में कोई जीतने योग्य है तो उसे उतार दीजिए चुनाव मैदान में, बाकी की बातें बाद में देख लेंगे। जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी ने ही सबसे पहले उम्र को लेकर क्वेश्चन किया था कि पॉलिटिक्स में भी रिटायरमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन अब जब राजस्थान का ये रण है जो कांटे का मुकाबला कहता है कि इस बार कांटे का मुकाबला रहने वाला है बीजेपी और कांग्रेस में, तो उम्र को भी साइड कर दिया गया है और फिर यही दोहराया गया है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। कांग्रेस में भी तमाम तरह के जो क्लॉजेस लगाए गए थे लास्ट टाइम, कंडीशंस रखी गई थी, उनको साइड कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 बार जो चुनाव लगातार हारे हैं, क्या उनको भी इस बार किसी उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में उतारा जाएगा? इतने कितने कैंडिडेट्स हैं जो इस बार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और उनमें से किन पर मुहर लग जाएगी, ये तमाम चीजें आज दिल्ली से क्लियर होंगी। लेकिन पहली लिस्ट जो है, जैसा कि फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया भी था कि धनतेरस तक आ सकती है पहली सूची, आज सीईसी की बैठक में माना जा रहा है कि तकरीबन 90 सीटों पर 90 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग जाएगी और 3 से 4 दिन में वो नाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर कोई विरोध नहीं है, वहां पर सिंगल नेम पैनल है। कई कई सीटें ऐसी जहां पर 2 नामों का पैनल है और कहीं पर 3 नामों का पैनल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पशुपेश की स्थिति है वो ज्यादा पैनल जिसमें नाम ज्यादा हैं उसको लेकर है, उसको बाद में फिर से उस पर मंथन किया जाएगा, बैठकें होंगी। लेकिन एक लिस्ट पहले जारी करने की कोशिश की जा रही ताकि कम से कम कुछ सीटों पर क्लियर हो जाए, कार्यकर्ताओं में मैसेज पहुंच जाए कि हाँ, ये आपके इलाके से चुनाव मैदान में है और अब पूरी ताकत से इनको जिताने के लिए जुट जाना है। और ऐसे में जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि जो सिटिंग एमएलए हैं या फिर वो तमाम दिग्गज बड़े फेसेस जो हैं कांग्रेस के, जिनके खिलाफ कोई नहीं है, उनको पहले अनाउंस कर दिया जाएगा, उन नामों को पहले घोषित कर दिया जाएगा। तो 2 दिन लगातार बैठक चली है कांग्रेस की, पंजाब भवन में बैठक हुई थी, पुडुचेरी भवन में बैठक हुई थी, उस दौरान विवाद भी देखने को मिले थे। उसके बाद ये हुआ कि अब सीईसी की बैठक में मुहर लग जाएगी और आज सीईसी की बैठक होनी है। सोनिया गांधी की आवाज पर यह बैठक चल रही है, मंथन के बाद सिंगल नामों वाली सीटों पर मुहर लग जाएगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तकरीबन ऐसी 90 सीटें हैं, तो सबकी निगाहें आज दिल्ली पर है। राजस्थान की सियासत के लिए निगाहें दिल्ली पर टिक गई हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। तो मंथन का सिलसिला जारी है और कोशिश यह है कि इस महामंथन से अमृत ही निकले, वो अमृत जो जीत दिलाए, वो अमृत जो अजेय करे, क्योंकि इस बार का चुनाव आसान नहीं है। अमूमन ऐसा देखने को मिला है कि राजस्थान की सियासत में एज सच बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स नहीं होते थे, एक सपाट सियासत यहाँ की मानी जाती थी, लेकिन इस बार यूपी और बिहार से भी रोचक यहाँ का चुनाव हो गया है और इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार के जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि इससे
मोदी इमेज की भी बात कही जाएगी, बीजेपी को लेकर भी तमाम तरह के दावे किए जाएंगे, फीडबैक लिया जाएगा एक तरीके से कि 4 से 5 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जनता का मूड क्या होगा। बहुत कुछ तस्वीर इन चुनावों के जरिए साफ हो जाएगी और इसलिए एड़ी चोटी का जोर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। अगर ये राज्य भी वो नहीं हासिल कर पाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए, पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, इसलिए यहां पर भी कसरत की जा रही है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी आदिति भी जुड़ गई। आदिति, सबकी निगाहें आज दिल्ली पर ही है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, लेकिन सबसे अहम कांग्रेस की, क्योंकि माना जा रहा है कि आज सीईसी की बैठक में तकरीबन 90 सीटों पर मुहर लग जाएगी। क्या हलचल अब तक बैठक से, क्या कुछ निकल कर आया? बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम 10 जनपद के बाहर हैं और बैठक चल रही है। 11 बजे से 11:15 तक ये बैठक शुरू हो चुकी थी और 1 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। देखिए, पिछले कई दिनों में कांग्रेस की जो तमाम सीटों पर जो चर्चा की गई है, रायशुमारी हुई है, अलग अलग गुटों की जो बैठक हुई है वहाँ यहाँ पर, उस पर अब 100 सीटों पे जो पैनल यहाँ पर तैयार हुआ है और पैनल लेकर अंदर गए हैं, उसमें माना जा रहा है कि करीब 75 से लेकर 80 सीटों पर आज फाइनल मोहर लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि आज इस बैठक में नामों की घोषणा नहीं की जाएगी, इस तरह की बात सामने आ रही है। और अभी कुछ दिनों में एक और स्क्रीनिंग बैठक होगी, करीब 5 तारीख को ये बैठक हो सकती है और उसके बाद जो सीईसी होगी यानी दिवाली से पहले शायद नामों की घोषणा नहीं होगी और उसी के बाद होगी। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, राहुल गांधी के साथ ये बैठक चल रही है, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं, पूरी जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो इसमें मौजूद है। और पिछले इतने दिनों में अलग अलग जगह, कभी हिडन जगह पर बैठकें हुई तो कभी 15 GRG वॉर रूम में बैठकें हुई और ये 100 नाम जो है यहाँ तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें कि इनमें मेजर वो नाम है जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज हैं, ये वो लोग हैं जो पुराने, जिनको जो विधायक रह चुके हैं और उनको यहाँ पर इनका नाम इस लिस्ट में मौजूद है। इसके अलावा कई पूर्व सांसदों के नाम है जो इस लिस्ट में मौजूद हैं और इसके बाद आज की इस लिस्ट में सचिन पायलट का नाम नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत, रामेश्वर डूडी के नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं। और आज राहुल गांधी के साथ बैठकर तमाम जो टीम रहेगी उनसे राय मशवरा जो इस 100 नामों पर हुआ है, हालांकि ये जो 100 नाम अब तय किए गए हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी के आपसी सहमति से तय हो चुके हैं, लेकिन अब आला कमान के सामने इन नामों पर एक बार और चर्चा होगी। और कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें कई बार विवाद भी हुए हैं, उसको लेकर आज जो है राहुल गांधी के सामने बात रखी जाएगी। इसमें चाहे जाति समीकरण की बात हो, चाहे पुराने दिग्गजों की बात हो जो जाति समीकरण से ऊपर उठ चुके हैं, या फिर पुराने सांसद हो या और समीकरण हो, ये तमाम चीजें हैं जो इस लिस्ट में देखी जाएगी। और इसके बाद बचे हुए 100 नाम, क्योंकि आज करीब माना जा रहा है कि 77 नामों पर ही मोहर लगेगी, लेकिन बाकी के जो नाम है उस पर एक कई स्क्रीनिंग कमेटियां जो है बैठकें होंगी यहाँ पर। 5 तारीख को भी बताया जा रहा है कि एक बैठक है और उसके बाद दिवाली के बाद सीसी की बैठक होगी। और वहीं बीजेपी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जिसको स्क्रीनिंग जो है कमेटी कहा जा सकता है, वो बैठक अमित शाह के साथ आज की जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर भी बताया जा रहा है कि बैठक होगी और उसके बाद करीब 4:30 बजे अमित शाह के आवास पर बैठक होगी और वहां पर जो भी नाम तय हुए हैं, जो रायशुमारी का जो दौर जयपुर में और रणकपुर में चला है और उसके बाद जो नाम तय किए गए हैं वो आज लेकर आएंगे। और जो दिल्ली ने सर्वे कराए हैं, जो दिल्ली की टीम द्वारा सर्वे कराए गए हैं और जो रायशुमारी के बाद नाम निकले हैं, उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा, उनमें कॉमन फैक्टर निकाला जाएगा। लेकिन कम से कम 79 ऐसे नाम हैं बीजेपी के जो सिंगल पैनल में हैं और उसमें जो पूरी सहमति रायशुमारी की टीम द्वारा है वो हो चुकी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अदिति, बिल्कुल ये दोनों ये पार्टियों के बारे में आप बता रहे कि किस तरह से दिल्ली में अब सिलेक्शन को लेकर के कवायद की जा रही है, लेकिन क्या ये माना जाए कि इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये डू और डाई की सिचुएशन है? यूपी और बिहार जैसी हलचल यहां पर भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इतना ज्यादा मंथन करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, कांग्रेस के लिए और बीजेपी दोनों के लिए जो आपने कहा डू और डाई की सिचुएशन है, समझते हैं कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि अगर अब राजस्थान में उन्होंने अपनी ये जो गेन की हुई जमीन खो दी अगर और दोबारा इस जमीन पर नहीं आ पाए तो इसका इम्पैक्ट 2019 से लेकर कांग्रेस के अस्तित्व पे हो जाएगा। और अगर बीजेपी यहाँ पर जो है जमीन लूज करती है तो इसका इम्पैक्ट 2019 नरेंद्र मोदी की छवि, अमित शाह की जो कार्यशैली से लेकर तमाम चीजों पर सवालिया निशान होगा। और उससे बड़ी बात है कि जो
क्यों बार बार बातें आ रही है एंटी इनकम्बेंसी की सरकार को लेकर राजस्थान में, उस पर भी जो है लीडर्स को लेकर, चाहे वसुंधरा राजे को लेकर एक सवालिया निशान हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टियों की नहीं, इंडिविजुअल के लिए भी डू और डाई की सिचुएशन है, चाहे फिर वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, वसुंधरा राजे हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी, इन तमाम लोगों के लिए डू और डाई की सिचुएशन यहाँ पर है। क्योंकि सब लोग पार्टी के लिए है, लेकिन वो अपने इंडिविजुअल अस्तित्व के लिए भी है, क्योंकि ये तमाम लोग इस चुनाव में पूरी तरीके से लग चुके हैं जी। और अदिति एक अपडेट और दीजिए कि जब ये कांग्रेस की सीईसी की बैठक हो रही है तो अंदर तो तमाम दिग्गज हैं, लेकिन क्या बाहर दावेदार भी दिखाई दे रहे हैं या फिर सन्नाटा ही है? देखिए, मैं कहूंगी अपने कैमरामैन से, आपको कुछ तस्वीरें पहले हमने भेजी थी, जब यहाँ पर 11 बजे तमाम जो नेता अंदर आ रहे थे तब यहाँ पर तांता लगा हुआ था टिकटार्थियों का। और ना सिर्फ आज लेकिन लगातार पिछले दिनों में जो दिल्ली में जमघट है कांग्रेस के नेताओं का, तब चाहे वो अशोक गहलोत का ऑफिस हो, चाहे फिर वो सचिन पायलट का आवास हो, चाहे वो शैलजा कुमारी के आवास हो, तमाम टिकटार्थी बिल्कुल वहां लगे थे। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हैं, ये 10 जनपद के बाहर का माहौल है, अभी यहाँ टिकटार्थी नहीं है। लेकिन 11 से लेकर 12 बजे के बीच में जब तमाम नेता और खास तौर पे अशोक गहलोत, अविनाश पांडे से लेकर तमाम नेता यहाँ पर आए थे, तो उनसे मिलने, उनका आशीर्वाद लेने, अपना रेज्यूमे पकड़ाने से लेकर तमाम चीजें यहाँ हो रही थी, सड़क पे जैम लग चुका था। लेकिन जब ये सब अंदर जा चुके हैं तो भोजन करने के लिए टिकटार्थी AICC जो बगल में ही है वहां जा चुके हैं। लेकिन 1 बजे का अगर जो नजारा आपको दिखाएंगे, जब ये बताया जा रहा है कि ये बैठक खत्म होगी, तो 1 बजे यहाँ पर वापस वो नजारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारे टिकटार्थी वापस मौजूद होंगे, तमाम दिग्गज जब आ रहे होंगे अंदर से बाहर, तो उनसे मुलाकात करना चाहिए। तब भी हम चाहेंगे।